वेलकम बैक टू द चैनल। टुडे आई विल टेल यू हाउ यू कैन ट्रेड इन ब्रेकआउट ट्रेडिंग। सो लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रेंज के ब्रेकआउट पर ट्रेडिंग कर सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड के साथ। मैंने सबसे पहले एक रेंज ड्रॉ की है। रेंज का सबसे पहले मैंने रेजिस्टेंस फाइंड किया, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल हैं ये, रेजिस्टेंस लेवल मैंने फाइंड किया। रेजिस्टेंस लेवल करीब 884.55 पैसा है। और सपोर्ट लेवल कौन सा है, मैंने सपोर्ट लेवल को भी फाइंड किया। सपोर्ट लेवल है 876.4। इस जगह इस सपोर्ट लेवल है, मैंने सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया। इसके बाद मैंने ड्रॉ करने के बाद प्राइस इसी के बीच में कब से ट्रेड कर रहा है, प्राइस इसी के बीच में ट्रेड कर रहा है। लेकिन हम एंट्री कब लेंगे, जब एक 15 मिनट का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, ठीक है, या इसके नीचे क्लोजिंग देगा, तब हम हमारी एंट्री एंटर करेंगे और हमारे स्टॉप लॉस सेट करेंगे और हमारा टारगेट भी सेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कब मार्केट ने कैंडल क्लोज किया। ये इस जगह सबसे पहले मार्केट ने इस जगह, देखिए ये इस जगह पर मार्केट ने एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज किया, एक इधर 15 मिनट का कैंडल क्लोज किया। क्लोज करने के बाद मार्केट को कैंडल तो क्लोज कर लिया, लेकिन इसी के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। कैंडल क्लोज करने के बाद हम बाई तब भी करेंगे तब मार्केट इस लो को ब्रेक करेगा, इस कैंडल का लो ब्रेक करेगा। लेकिन मार्केट ने इस लो को ब्रेक किया नहीं, तो हम एंट्री नहीं करेंगे इस जगह। चलिए अब देखते हैं और किधर क्लोज किया। हाँ, ये ऊपर की तरफ मार्केट ने एक 15 मिनट का कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज किया। लेकिन मैंने आपको बताया हम एंट्री तब भी करेंगे तब मार्केट हाई को क्रॉस करेगा। लेकिन इस कैंडल ने ओपन होते ही नीचे आ गई, हाई को क्रॉस ही नहीं किया, इसलिए हम इधर बाय नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए फिर से देखते हैं। और मार्केट नीचे की तरफ आ गया और नीचे की तरफ एक 15 मिनट का कैंडल मार्केट ने इधर क्लोज किया और इसका लो मार्केट ने क्रॉस कर दिया, तब हम इस जगह हमारी एंट्री लेंगे। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम स्टॉप लॉस किधर सेट करेंगे और हमारा टारगेट क्या होगा। स्टॉप लॉस हम कैंडल, जो कैंडल ब्रेकआउट करती है, इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो इस जगह पर इसके हाई के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे और इधर एंट्री लेंगे। और मैं अभी डिटेल में आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलिए अभी हम ढूंढते हैं शॉर्ट पोजीशन। हाँ, यहाँ रहा, इस जगह पर हमने हमारी शॉर्ट किया और ब्रेकआउट, मार्केट ने इधर ब्रेकआउट दिया इसलिए हमने इधर शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और इसका हाई पर हमने स्टॉप लॉस रखा, हाई पर स्टॉप लॉस हमने रखा। और लेकिन हम अब टारगेट कितना रखेंगे, टारगेट के लिए मार्केट का सपोर्ट किधर है वो हम देखते हैं। इस जगह पर मार्केट का सपोर्ट है, देखिए इस जगह पर भी मार्केट ने कंसोलिडेशन किया, बाद में ब्रेकआउट दिया, ठीक है। तो इस जगह पर हमने हमारा सपोर्ट रखा और सपोर्ट को हम टारगेट के रूप में लेंगे, ठीक है। और चलिए हम इधर से इधर तक हमारा ये टारगेट रहेगा और इसको, हाँ इतना हमारा टारगेट रहेगा। मार्केट ने टारगेट अचीव किया, हाँ बिल्कुल किया। हमें कितना मिल रहा है, 1:7 हमें मिल रहा है। ऐसे ही ब्रेकआउट ट्रेडिंग किया जाता है। मैं आपके लिए रोज ऐसे वीडियो बनाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।